आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि INDMoney मनी में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको INDMoney मनी यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। आपको ये बताऊंगा कि US के जो स्टॉक्स हैं उनको एक्सप्लोर कैसे करते हैं, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि उनमें काम कैसे करते हैं, सब बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना INDMoney का जब ऐप खोलेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब ये जो इंटरफेस है नॉर्मल इंटरफेस है। नॉर्मल इंटरफेस से मेरा ये मतलब है कि अगर आपको इंडिया के स्टॉक्स में लगाना है तो तब ऐसा, मतलब यहाँ आप ऐड मनी इंस्टेंटली दबाओगे तो आपको यहाँ नहीं करना है। ये तो इसके लिए जब आपको इंडिया के स्टॉक्स खरीदने हो, तो हम बैक करेंगे, और आपको अगर US के स्टॉक्स खरीदने हैं तो आपको दबाना पड़ेगा यहाँ पे US स्टॉक्स पे, ठीक है। फिर US स्टॉक्स पे जब आप दबाएंगे तो यहाँ ऐड मनी करेंगे, तो ऐड मनी करेंगे तो आपका जो पैसा है डॉलर्स में ऐड होगा, समझ रहे हैं आप। और इसमें टाइम भी बता दिया जाएगा, जैसे यहाँ बताया हुआ है कि मैं अभी ऐड करूँगा तो कल 11:59 तक पैसा आ जाएगा। और जिसमें ₹10,000 ऐड करूँगा तो मुझे $116.66 मिलेंगे, ठीक है। या ₹1,00,000 ऐड करूँगा तो मुझे $1,169.82 मिलेंगे। इनमें ब्रेकआउट दिया हुआ है कि चार्जेस का, कि GST ये लगेगा, बेस्ट एक्सचेंज रेट ये है, कि मतलब किस एक्सचेंज रेट पे आपको मिल रहा है, GST इतना लगेगा, और GST उसके हिसाब से लगेगा हमेशा, रकम के हिसाब से, ठीक है। तो इतना आपके अकाउंट में आएगा पैसा इतना लगाने के बाद, बाकी चार्जेस में कट जाएगा। और ये भी तब है जब आप फेडरल बैंक से करते हैं, इनका जो पार्टनर्ड बैंक है फेडरल बैंक, उससे करते हैं तो है, ठीक है ना। बाकी अगर आप दूसरे बैंकों से करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, तो फेडरल बैंक से करते हैं तब होता है ऐसा। खैर, ये तो था पैसे डालने का। अब पैसे जब आप डाल लेंगे तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, देखिए, एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर आएंगे तो आपको सबसे पहले तो इंडाइसेस दिखेंगे US के स्टॉक मार्केट के, जैसे हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह होता है ना, जैसे अभी NASDAQ कंपोजिट, NASDAQ 100, डाउ एंड जोन्स, और SP 100, रूजेल 1000, SP 500, ये सारे, ठीक है। और आपको टॉप गिनर्स मिलेंगे और टॉप लूजर्स मिलेंगे। तो अब टॉप गिनर्स में क्या, जैसे आप व्यू ऑल दबाएंगे तो ये तो आपको सबसे पहले मिलेंगे टॉप गिनर्स मेगा कैपिटल के, फिर इसके बाद आपको मिलेंगे लार्ज कैप के टॉप गिनर्स, फिर मिड कैप के, और फिर स्मॉल कैप के। आप स्मॉल कैप में देख सकते हैं कितने ज़्यादा शेयर्स बढ़े हुए हैं। ये एक दिन का रिटर्न है, अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक दिन का रिटर्न है। जैसे ये स्टॉक है सेंटेक होल्डिंग्स, तो ये सेंटेक होल्डिंग्स लिमिटेड है, इसने एक दिन में 600% का रिटर्न दिया है। और इसके नीचे वाला जो स्मॉल कैप स्टॉक है USA का, ये भी 180 लाइफ साइंसेस, तो इसने अभी तो 325 दिख रहा है, लेकिन मैं रात को जब देख रहा था मार्केट जब लाइव चल रहा था तो इसने 550% तक का, जो मैं लास्ट देखा था 550% तक का, इसने इस सेकंड वाले शेयर की बात कर रहा हूँ, इसने रिटर्न दिया था, समझ रहे हैं आप। तो इतना ज़्यादा देखिए, 250%, 130%, तो इस एक दिन का रिटर्न है, ठीक है ना सारा। तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है USA के स्टॉक मार्केट में। और टॉप लूजर्स भी देख सकते हैं आप ठीक इसी तरीके से, मेगा कैप के टॉप लूजर्स, लार्ज कैप के टॉप लूजर्स, मिड कैप के टॉप लूजर्स, और स्मॉल कैप के टॉप लूजर्स। तो इसमें स्मॉल कैप का टॉप लूजर आप देख सकते हैं मात्र अप्रॉक्स 38% नीचे है बस, और वहाँ का 600% बढ़ा हुआ है, तो अच्छा है, इसमें काफ़ी काम करना बढ़िया है। तो यहाँ से आप टॉप गिनर्स वगैरह देख सकते हैं, मार्केट का ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर कोई वॉच लिस्ट बनाई हुई है तो यहाँ पे आप जैसे जीरोदा वगैरह में ऐड करते हैं ना स्टॉक्स को, वैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे तो खैर आपके ऑर्डर्स दिखाते हैं, खैर जो भी है। तो अब एक्सप्लोर जब आप दबाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक्स टू लुक फॉर भी देखने को मिलेंगे, पॉपुलर स्टॉक्स। जैसे व्यू ऑल दबाएंगे तो पॉपुलर स्टॉक्स में आपको देखेगा एप्पल का शेयर, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का, अमेजोन का। अब उदाहरण के तौर पर मुझे ये खरीदना है, गूगल का शेयर खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, इस गूगल के स्टॉक पे क्लिक करूँगा, या हमें दो ऑप्शन मिलेगा, या तो नॉर्मल बाय या SIP। अगर आपको नॉर्मली बाय करना है शेयर को तो आप बाय का ऑप्शन दबाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि शेयर आपको शेयर्स में बाय करना है कि डॉलर्स में बाय करना है। उदाहरण के तौर पर ये जो गूगल का शेयर है ये तो $166 का है, तो आप शेयर्स में बाय करेंगे तो जाहिर सी बात आपको कम से कम एक शेयर खरीदना पड़ेगा, मतलब $166 का, तो आप डॉलर में बाय करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको $2 तक के बाय करने हैं, अभी बैलेंस मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, या $5 के बाय करने हैं, या $10 के बाय करने हैं शेयर्स, ठीक है, या $100 के करने हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। USA में फ्रैक्शनल बेसिस में होता है, ठीक है ना।
मतलब जितने का चाहे उतने का ले सकते हैं, और उसको रुपीस में भी आप कर सकते हैं अगर आपको डॉलर्स में देखने में कन्फ्यूजन है तो, ये रुपीस में आ रहा है फिर, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी यूएसए में जो स्टॉक्स हैं खास करके स्मॉल कैप्स वगैरह, वो काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न दे देते हैं, और कंपनी की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वैसे तो आप इंटरनेट पे भी निकाल के देख सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, सीईओ, इंडस्ट्री कौन सी है, और रिटर्न्स, रिटर्न्स की प्रोफाइल मिल जाएगी इसकी आपको, महीने की, 6 महीने की, साल की, 3 साल की, 5 साल की, और रेशियोज़ हैं, ईपीएस, पैग रेशियो, पी रेशियो वगैरह, ये भी आप थोड़ा बहुत एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मार्केट का टाइम भी आपका यूएसए के हिसाब से होगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं मान लीजिए, तो बताया हुआ है ना कि मार्केट विल ओपन एट 7 PM, तो 7 बजे हमारे इंडिया के हिसाब से खुलेगा, ठीक है। तो ये है, तो अभी तो हमने ये बेसिक सीखे हैं, फिर मैं आपको इसे पैसा ऐड करना बताऊंगा, और स्टॉक्स लेके भी दिखाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि कितना चार्ज लगता है, ठीक है। तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, और भी यूएस मार्केट से रिलेटेड वीडियोस देखना है या कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आके देख सकते हैं। धन्यवाद।